कमीशन ने जो मराठा समाज को आरक्षण दिया था, ये आरक्षण हाईकोर्ट ने स्थगित किया है। हाईकोर्ट ने जो आरक्षण स्थगित किया है वो मिलने के लिए कोई भी प्रयास फडणवीस गवर्नमेंट ने किया नहीं है। फडणवीस गवर्नमेंट ये संघ परिवार का गवर्नमेंट है और संघ परिवार आरक्षण के खिलाफ है। आज लोकशाही उनको पसंद नहीं है, लोकशाही के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है और मराठा समाज को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मराठा समाज को आरक्षण नहीं देने के वजह से वो महाराष्ट्र में दंगा फसाद करने का प्रयास फडणवीस गवर्नमेंट कर रहे हैं। आज तक महाराष्ट्र में मराठा समाज के 58 मोर्चा निकाले थे, वो मोर्चा बहुत शांतता से हुआ है। शांतता के साथ होने वाले मोर्चे उनको जो मांग थी, एक ही मांग फडणवीस गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की है। अभी वो मराठा समाज को गालियां दे रहे हैं, ये कैसे छत्रपति के मावले हो सकते हैं, और मराठा समाज को वो भड़का रहे हैं और राज्य मागास वर्ग आयोग का कारण बताकर ये मराठा आरक्षण प्रलंबित किया है गवर्नमेंट ने। और इसका बहुत महाराष्ट्र में गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत नाराजी है और ये नाराजी के वजह से ही कल एक युवक ने, मराठा समाज का युवक काकासाहेब शिंदे, उन्होंने गोदावरी नदी में जल समाधि ली है। हम कहते हैं ये जल समाधि नहीं है, ये फडणवीस गवर्नमेंट ने मराठा समाज के युवक की हत्या की है। और जो ये गवर्नमेंट मराठा समाज और बहुजन समाज को मारने वाला गवर्नमेंट है, ये आरक्षण देने वाला गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए हम फडणवीस गवर्नमेंट का निषेध करते हैं और जो महाराष्ट्र में मराठा समाज को वो फंसा रहे है, इसके लिए हम मराठा समाज के लोग अभी फडणवीस गवर्नमेंट का इस्तीफा भी चाहते हैं, उनका निषेध भी करते हैं और उन्होंने मराठा समाज की माफी भी मांगनी चाहिए। पंडरपुर की वारी थी, पंडरपुर की वारी के समय उन्होंने मराठा समाज को बदनाम किया है। मराठा समाज सभी बहुजनों का बड़ा भाई है। बहुजन और मराठा और बहुजन में जो दंगा फसाद बनाने का काम भी फडणवीस गवर्नमेंट ने किया है और महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। लेके बैठा है उसके बारे में क्या कहेंगे? भिड़े की जो आइडियोलॉजी है ये संघ की आइडियोलॉजी है और संघ आरक्षण के रिजर्वेशन के खिलाफ है और मनुस्मृति का समर्थन ये संघ की फिलॉसफी रही है। भिड़े भी मनुस्मृति का समर्थन करते हैं, भिड़े भी संविधान और रिजर्वेशन के खिलाफ है। भिड़े का जो एजेंडा है वो बहुजनों में दंगा फसाद निर्माण करना और मराठा युवकों का इस्तेमाल करके एससी के खिलाफ, एसटी के खिलाफ और माइनॉरिटी के खिलाफ मराठा युवकों का इस्तेमाल करना, यही भिड़े का एजेंडा रहा है। भिड़े मराठा युवकों को छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का गलत इतिहास बताकर भड़काता है और दंगा फसाद करता है। भिड़े ऐसा कभी भी मराठा युवकों को कहता नहीं कि डॉक्टर हो जाओ, इंजीनियर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, प्रोफेसर बनो, ऐसा कभी भी नहीं बताता। उनकी आइडियोलॉजी दंगा फसाद निर्माण करने की आइडियोलॉजी है और वो सभी रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो आदमी मनुस्मृति का समर्थन करता है वो रिजर्वेशन की मांग कैसा करेगा? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। और वो भीड़े को पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस का है और इस देश में दंगा फसाद करने वाले लोग अभी सत्ता में है और ये देश के लिए, संविधान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सर, इसके लिए आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति हम सभी ने मिलकर, SC ST OBC NT माइनॉरिटी ने मिलकर ये संविधान बचाने का, लोकशाही बचाने का एजेंडा हमने सभी ने मिलकर करना होगा। थैंक यू। थैंक यू सर।